तो दोस्तों मेरे पास जो ये मदरबोर्ड है डेल का मदरबोर्ड है ये, ठीक है। तो इसमें पावर शॉर्टिंग का प्रॉब्लम है, तो पावर शॉर्टिंग के प्रॉब्लम की मैं मदरबोर्ड को किस तरीके से डायग्नोस करना होता है और कैसे इसको फॉल्ट फाइंडिंग करके इसको रिपेयर करना होता है, आज के वीडियो में हम यही देखेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले पावर शॉर्टिंग दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, तो जैसे कि मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो यहाँ पर आप मेरा डीसी देख सकते हैं। अगर जैसे ही मैं इसको प्लग में इंसर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ देख सकते हैं लाइट, एक लाल लाइट जल के और इसका जो वोल्टेज है वो डाउन हो जाता है और एम्पियर इसके बहुत हाई हो जाते हैं, यानी करंट बहुत ज़्यादा ये लेने लगता है। तो मैं इसको दोबारा लगाता हूँ, एक बार देखिए देखिए देखिए, यहाँ पर जो है वोल्टेज डाउन हो गया और एम्पियर बहुत हाई हो गया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम इसके अंदर मदरबोर्ड में ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम में हमें इस मदरबोर्ड को कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसकी प्रॉब्लम को फाइंड करना है, क्या चीज़ इसमें ख़राब है, क्या चीज़ शॉर्ट हो गई है, वो कैसे निकालेंगे, तो इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखते रहिए। वीडियो थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो, कोशिश करूँगा अगर वीडियो बहुत जल्दी आपको ख़त्म कर दूँ, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा इस फॉल्ट को फाइंडिंग करने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है शॉर्ट सर्किट को डाला तो आपको किस तरीके से फाइंड आउट करना है, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जब पावर शॉर्टिंग होती है तो उसमें क्या होता है, या तो आपके कैपेसिटर वगैरह शॉर्ट हो रहे होते हैं, या फिर जो रेगुलेटर पर लगे हुए मॉस्फेट वगैरह होते हैं, इस टाइप के मॉस्फेट होते हैं, ये शॉर्ट हो जाते हैं। तो इनको कैसे हमें फाइंड आउट करना है, तो आज की वीडियो हम यही देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें फिज़िकली जो पूरे मदरबोर्ड को एक बार चेक कर लेना होता है कि ये जो कैपेसिटर वगैरह कोई डैमेज तो नहीं है, कोई फटा हुआ है, कोई कैपेसिटर तो नहीं है यहाँ पर। तो आप बड़े ध्यान से अगर आपको देखेंगे तो आपको कई बार क्या होता है, देखने पे ही मिल जाता है कैपेसिटर ख़राब या फटा हुआ कोई कैपेसिटर, और नहीं मिलता है तो फिर हम आगे बताएंगे आपको कि इसको कैसे ढूंढना है, आपको कौन सा कैपेसिटर फटा हुआ है। तो हम फिज़िकली एक बार इसको पहले चेक कर लेते हैं। और ये जो कैपेसिटर जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो ये कैपेसिटर आपको ज़्यादातर जो है अपने SRC जो पावर SRC 19 वोल्ट वाली लाइन जो होती है वहाँ पर चेक करने, क्योंकि 19 वोल्ट की ये शॉर्टिंग है, 19 वोल्ट की शॉर्टिंग पर ही ये कोई कैपेसिटर आपको ख़राब मिलेगा। तो यहाँ पे फिलहाल दोस्तों मुझे कोई भी कैपेसिटर जो है यहाँ पर ऐसा नहीं दिखाई दिया जब वो डैमेज हो या फिर फटा हुआ हो। तो यहाँ पर जो है मैं अब क्या करना है दोस्तों, दूसरे स्टेप में हमें क्या करना होता है कि हमें सबसे पहले जो है जो रेगुलेटर पे जो मॉस्फेट लगे होते हैं ये हमें कंफर्म कर लेते हैं कि कहीं रेगुलेटर की शॉर्टिंग तो नहीं है, रेगुलेटर के मॉस्फेट कोई शॉर्ट तो नहीं हो गए। तो उस कंडीशन के जिस मदरबोर्ड पे आप CPU या फिर RAM निकाल सकते हैं तो अपना CPU और RAM निकाल के अलग रख दीजिए, ताकि कुछ भी काम करते समय हमारा कोई और पार्ट ख़राब ना हो। तो मैंने यहाँ पर देखिए CPU RAM Wi-Fi इसको निकाल दूँगा मैं बाहर। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो को जल्दी से ख़त्म कर दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होता है तो आप लोग देखते नहीं है वीडियो को। तो मेरी भी कोशिश ये रहती है कि छोटे से थोड़े टाइम में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो देखिए हमने यहाँ पर जो है CPU निकाल लिया, अपने RAM वगैरह सब कुछ निकाल लिया, अब हमारा बोर्ड बिल्कुल खाली है। अब हमें जो है ये रेगुलेटर यहाँ पर कन्फर्म करने है कि हमारा रेगुलेटर की इस रेगुलेटर के जो मॉस्फेट हैं उनकी कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। तो दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना है कि अपने मल्टीमीटर को जो है बीप मोड पर सेट कर लेना है, ठीक है। बीप मोड पर सेट करने के बाद हमको जो है एक प्रोब को हम नेगेटिव कर देना है, और अब एक प्रोब से सारे रेगुलेटर हमें चेक करने हैं, रेगुलेटर का इंप्रेशन चेक करना है कि कितना आ रहा है। तो फिलहाल हमने ये मल्टीमीटर अपना बीप मोड, तो अब हम चेक करेंगे एक एक करके सभी जो हमारे रेगुलेटर हैं उनका इंप्रेशन। तो यहाँ से शुरू करते हैं, देखिए तो यहाँ पर कोई इंप्रेशन नहीं है, यानी कि रेगुलेटर की कोई शॉर्टिंग नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर भी नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, ये जो शॉर्टिंग है दोस्तों ये 19 वोल्ट SRC की शॉर्टिंग है। अगर यहाँ पे देखिए 34 दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पे 34 की जगह ये 00 इस टाइप का दिखाई दे तो आप मान सकते हैं कि यहाँ पे रेगुलेटर की शॉर्टिंग है, क्योंकि ये जो कॉइल है ये PCH की सप्लाई के लिए लगी हुई है, ठीक है। तो PCH की सप्लाई में अगर इतना दिखा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रेगुलेटर ठीक है। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर भी ये नहीं है कुछ भी शॉर्टिंग, इसके बाद यहाँ पर और यहाँ पर बाकी ये बचते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों मैंने देखिए रेगुलेटर जितने भी रेगुलेटर हैं मेरे, ठीक है, सभी रेगुलेटर के पे लगा के मैंने प्रोब को चेक कर लिया है कि किसी भी रेगुलेटर पे शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। यानी कि हमारा जो ये मॉस्फेट जो है, रेगुलेटर के मॉस्फेट हैं, उनकी शॉर्टिंग नहीं है, कोई कैपेसिटर ही है जो शॉर्ट कर रहा है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हम क्या करेंगे, हमें फिज़िकल भी दिखाई नहीं दिया कि फिज़िकल हमने कोई कैपेसिटर वगैरह हमें शॉर्ट दिखाई दिया, फटा हुआ दिखाई दिया। तो ऐसी कंडीशन में देखो बहुत से लोग क्या करते हैं, जो हमारे नए सीखने वाले हैं वो क्या करते हैं, वो एक एक कैपेसिटर को 19 वोल्ट की लाइन पे जो एक एक कैपेसिटर को निकाल निकाल के चेक करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना दोस्तों, उसका सिंपल तरीका मैं आपको बताया था। आपको अपने
पावर SRC वाले सेक्शन पे आना है, यानी कि जहाँ पे हमारी मेन वोल्टेज आती है, जो DC जैक से जो मेन वोल्टेज आएगी। देखिए हमारा ये DC जैक है, ठीक है, इस DC जैक से हम करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों MOSFET पे यहाँ पे वोल्टेज आते हैं, जो कि मेन MOSFET हमारे यहाँ लगे हुए हैं। तो यहाँ मैं दिखाता हूँ शॉर्टिंग आपको पहले। तो यहाँ देख सकते हैं कि सेंसिंग रेजिस्टेंस पे आपको बीप दिखाई दे रही है, बीप भी सुनाई दे रही है, और यहाँ पर प्लस 0-0 की रेटिंग। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कोई MOSFET भी शॉर्ट तो है कि नहीं, तो यहाँ नहीं है। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ कोई MOSFET अभी शॉर्टिंग नहीं है। तो यहाँ पर देखिए MOSFET अभी कोई भी शॉर्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर शॉर्टिंग SRC की शॉर्टिंग है। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज़ करनी है कि तो आपको जो है आपके पास जो DC मशीन की सप्लाई है उसको आप वोल्टेज को डाउन कर लीजिएगा। वोल्टेज यानी कि 19 वोल्ट है तो उसको बिल्कुल 0 वोल्ट पे ले आइएगा। उसके बाद जो है आपको इस तरीके से जो है आपके दो तार आपके पास होने चाहिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी DC मशीन में ये दो तार लगा रहा, तो इन दो तारों में क्या है, एक मेरा ये तार जो नेगेटिव है, दूसरा मेरा तार जो है ये पॉजिटिव है। तो जब आपको शॉर्टिंग निकालनी होती है तो क्या होता है, आपको मदरबोर्ड पर डायरेक्ट सप्लाई देनी होती है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ आपको कैसे डायरेक्ट सप्लाई देनी है। तो यहाँ पर जो है हम एक नेगेटिव पॉइंट को जो है नेगेटिव पे लगा लेंगे, यानी ग्राउंड पे लगा लेंगे। तो नेगेटिव वाली जो हमारी लाइन है हमने उसको ग्राउंड पे कनेक्ट कर लिया, और जो पॉजिटिव वाली सप्लाई है दोस्तों, इस पॉजिटिव वाली सप्लाई को जो हमें जो हमारा सेंसिंग रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके आउटपुट पे लगाना है। यानी कि जो हमारा ये दो MOSFET है, इस वाले पॉइंट पे हमारा DC का जो सप्लाई आएगा, जो अडप्टर की सप्लाई आएगी वो यहाँ आएगी, फिर इस MOSFET से इसके थ्रू इस बीच में आएगी यहाँ पर, फिर इसके थ्रू यहाँ पर जाएगी। तो अब अगर इस कंडीशन में आप DC मशीन में जब पावर लगाते हैं तो आपके इन दोनों MOSFETों में शॉर्टिंग दिखाई देती है, ये दोनों MOSFET गर्म होने शुरू हो जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें जो सप्लाई लगानी है वो इन दोनों MOSFET के आउटपुट पे लगानी है, और आउटपुट पे भी दोस्तों जो सेंसिंग रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके भी आउटपुट पे लगानी है। तो यहाँ देखिए हम यहाँ पे थोड़ा, तो जब मैंने यहाँ लगा लिया है दोस्तों, अब क्या है कि ये जो एक नेगेटिव यहाँ लग गया, पॉजिटिव यहाँ लग गया, जब यहाँ पे करंट आएगा तो जो भी कैपेसिटर या जो भी कंपोनेंट इसमें जो शॉर्ट होगा होगा वो ये हीट होना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको फिलहाल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि DC मशीन मैंने बिल्कुल जीरो कर रखी है, और अब यहाँ पे मैं इसका करंट अगर बढ़ाऊँ, जैसे कि मैं 1-2 वोल्ट लेके यहाँ पे आऊँगा, देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे 2 वोल्ट लेके आऊँ, 2 वोल्ट में क्या हुआ, हमारा ये करंट हाई हो गया है। तो अब देखते हैं मदरबोर्ड के ऊपर कि हमारा, इस तरीके से आपको मदरबोर्ड पर टच करके देखना है, तो इससे पता चल जाएगा आपको क्या चीज़ शॉर्ट हो रही है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कुछ ये एरिया मेरा गर्म हो रहा है बोर्ड पे पूरा, और कोई एरिया कुछ गर्म नहीं हो रहा है, लेकिन ये एरिया यहाँ पे, यहाँ पर शॉर्टिंग हमारी है, यानी कि ये MOSFET वगैरह या फिर ये कैपेसिटर वगैरह या ये IC कुछ शॉर्ट हो गया है। तो इसको चेक करने के लिए दोस्तों हमें, देखिए हमने थोड़ा सा फ्लक्स इस पर डालेंगे तो पता चल जाएगा। तो देख सकते हैं कि आप, जैसे मैं फ्लक्स डाल रहा हूँ यहाँ पर, तो फ्लक्स डालते ही जो है ये गर्म हो रहा है, यानी कि ये जो दो कैपेसिटर हैं, मुझे लग रहा है ये कैपेसिटर जो है हमारे शॉर्ट हो गए। तो दोस्तों हम इस कैपेसिटर को यहाँ निकालने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर जो है DC, ये जो दोनों कैपेसिटर जो आसपास में लगे थे मैंने दोनों ही निकाल दिए, क्योंकि बिल्कुल इतने पास में लगे हैं कि पता नहीं चल रहा है कि कौन से कैपेसिटर में से जो है धुआं निकल रहा है। तो मैंने फिलहाल दोनों निकाल दिए, हम दोनों ही यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो अभी हम यहाँ फिलहाल देखते हैं कि हमारा शॉर्टिंग वगैरह यहाँ पर हटा है कि नहीं हटा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम चेक करेंगे हमारा पावर SRC का जो शॉर्टिंग वो हटा है कि नहीं हटा है। तो देखिए यहाँ पर हमने, देखिए सेंसिंग रेजिस्टेंस पर मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, तो अब यहाँ पे शॉर्टिंग हमारी नहीं है, यानी कि हमारी जो ये शॉर्टिंग थी ये हट चुकी है। तो अब हम यहाँ पे दूसरे कैपेसिटर यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पास देखिए एक मदरबोर्ड है हमारा ये, तो हम यहाँ से मदरबोर्ड से निकालेंगे कैपेसिटर। दोस्तों इस तरीके के स्क्रैप मदरबोर्ड में हमें ये कैपेसिटर वगैरह आराम से मिल जाते हैं, और रिपेयरिंग वालों का जो सबसे बड़े दोस्त होते हैं ये स्क्रैप, हम जिसको कबाड़ा समझ लेते हैं, तो ये स्क्रैप जो होता है हमारा बहुत अच्छा साथी होता है, क्योंकि हमारी रिपेयरिंग में जो है ये स्क्रैप मदरबोर्ड ही हमारा साथ देते हैं, कंपाउंड वगैरह निकाल करके लगा करके अपना मदरबोर्ड वगैरह ओके कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ये पे जो अपने कैपेसिटर थे वो सोल्ड कर दिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको साफ कर दिया, क्लीन कर दिया है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बता देता हूँ कि जब भी आप SRC की शॉर्टिंग निकालते हैं, जो पावर SRC 19 वोल्ट की जो शॉर्टिंग होती है, जो कैपेसिटर वगैरह शॉर्ट हो सकते हैं, या फिर ये जो हमारे कॉइल पे जो MOSFET लगे होते हैं, रेगुलेटर MOSFET लगे होते हैं, वो ख़राब हो सकते हैं, वो शॉर्ट हो सकते हैं, दोस्तों उनके साथ क्या करना है आपको, जब भी आप शॉर्टिंग निकाल लेंगे तो आपको ये दोनों MOSFET जो होते हैं, जो प्राइमरी MOSFET होते हैं, जो हमारे मेन MOSFET, तो इन MOSFETों को भी आपको चेक कर लेना है कि ये MOSFET कहीं शॉर्ट तो नहीं हो गए हैं। अगर ये इन MOSFETों में से कोई भी एक MOSFET शॉर्ट होगा
तो क्या होगा कि आपकी कई बार क्या है, लैपटॉप ऑन हो जाएगा या फिर कई बार लैपटॉप ऑन भी नहीं होगा क्योंकि आपने शॉर्टिंग निकाल दिया। अगर आप इन लैपटॉप इस मॉसफेटों को नहीं चेक कर रहे हैं, इनमें से कोई एक मॉसफेट शॉर्ट है, तो क्या होगा आपकी सप्लाई यहाँ पे नहीं आएगी, तो ये आपका लैपटॉप ऑन नहीं होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि लैपटॉप ऑन हो जाए तो चार्जिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम रहे, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया था कि मेरे मॉसफेट जो है यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है। कई बार क्या होता है मॉसफेट ये शॉर्ट हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ चेक करके दिखाया था कि ये देखिए यहाँ पर भी शॉर्टिंग नहीं है और ये मॉसफेट भी शॉर्ट नहीं है, तो ये दोनों मॉसफेट शॉर्ट नहीं है। तो अब फिलहाल हमें इस लैपटॉप को ऑन करके चेक करना है कि हमारा लैपटॉप ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये हमारा मदरबोर्ड जो है ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए हम इस पर सामान लगा लेते हैं वापस। तो गाइस जब भी आप हीट सिंक खोलते हैं सीपीयू के ऊपर से और दोबारा हीट सिंक कसते हैं, तो आप कोशिश करिए कि जो पुराना वाला पेस्ट है उसको हटा करके नया पेस्ट लगा करके तभी लगाइए, ताकि जो इसका हीटिंग का जो प्रॉब्लम ना रहे। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम पुराना पेस्ट लगा होता है उसी के ऊपर नया पेस्ट लगा के इसको लगा देते हैं, तो क्या होता है ये पेस्ट हार्ड होता है, तो हार्ड होने के कारण जो है ये यहाँ पर गैप रहता है, एयर गैप रह जाता है, जिसकी वजह से ये सीपीयू हीट होता है और मशीन आपकी बंद होने लगती है। तो आपको ये चीज़ भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे इसको बिल्कुल क्लीन कर लिया है, ये मेरा भी क्लीन हो गया, ये क्लीन हो गया। अब मैं यहाँ पे नया जो हमारा पेस्ट है वो लगाऊंगा। तो इस तरीके से आपको सीपीयू पेस्ट मिल जाते हैं, थर्मल पेस्ट, तो यहाँ से इस तरीके से आपको अप्लाई कर देना है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैंने जो है ये हीट सिंक कस लिया है और यहाँ पे डीसी जैक भी अपना लगा लिया है। तो अब मैं इसमें पावर दूंगा दोस्तों। तो यहाँ हमने पावर लगाया, पावर लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा ये लाइट ग्लो कर रहा है और फैन भी यहाँ पे ऑन हो गया है। तो अभी डिस्प्ले चेक करते हैं कि डिस्प्ले आया है कि नहीं आया है इस तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे माउस यहाँ पे कनेक्ट किया तो माउस की लाइट जल गई है। मैं हर बार आपको बताता हूँ कि आपको अगर मॉनिटर नहीं है तो आप यूएसबी पर भी अपना डिस्प्ले चेक कर सकते हैं माउस के थ्रू, कि अगर माउस की लाइट यहाँ पे डेल माउस या सेंसर माउस होता है तो अगर ये लाइट जल जाती है आपकी, ये ब्लिंक कर रही है, तो आपका डिस्प्ले जो है आपका आ चुका है, ठीक है, मदरबोर्ड ने अपना डिस्प्ले बना दिया है। तो आई होप दोस्तों आपको ये फॉल्ट फाइंडिंग समझ में आई होगी। अगर फॉल्ट फाइंडिंग आपको समझ में आई है और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। क्योंकि हम इस अपने इस चैनल पर आपको जो है सिंपल तरीके से जो है रिपेयरिंग सिखाने की कोशिश करते हैं। और आपका कोई लैपटॉप वगैरह, आप दिल्ली NCR में आप रहते हैं, दिल्ली नोएडा में कहीं रहते हैं, तो आपका कोई लैपटॉप है, डेस्कटॉप है जिसको आप रिपेयर कराना चाहते हैं, या फिर अपने ऑफिस या फिर होम पर विजिट कराना चाहते हैं, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो हमारे नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर, उस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत, नमस्कार।